खाली प्लॉट में हैंड ग्रेनेड मिलने से फैली सनसनी मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुद्वारे वाली गली के खाली पड़े प्लॉट में स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। पहले तो लोगों ने उन्हें बच्चों के खिलौने समझा, लेकिन लोगों के द्वारा स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद हैंड ग्रेनेड की पुष्टि हुई। वहीं पुलिस ने पूरे प्लॉट को सील करके बम निरोधक दस्ते को सूचना दी है। मौके पर CO स्नेहा तिवारी, SHO सहित तमाम पुलिस बल मौजूद। फिलहाल महानगर के आबादी के बीचों बीच खाली प्लॉट में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप मच गया। झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जिनमें एक बिना पिन लगा हुआ, बाकी के 3 ग्रेनेड पिन लगे हुए पाए गए, जिनको मौके पर पहुंची बम निरोधी दस्ते ने अपने कब्जे में लेते हुए आर्मी के हैंडओवर करने की बात कही। इसके साथ साथ यह भी बताया कि जनता से इसकी जांच की जाएगी, आखिर यह हैंड ग्रेनेड यहां कैसे आए, और आर्मी के उच्च अधिकारियों को हैंड ग्रेनेड सौंपकर आगे की जांच की जा रही है। जनपद में थाना प्रेमनगर क्षेत्र अंतर्गत एक कूड़ा का ढेर के पास 4 हैंड ग्रेनेड मिला है। उस 4 हैंड ग्रेनेड में 3 तो पिन लगा हुआ था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड द्वारा पहले से उसको सुरक्षित तरीके से डिस्पोज कर दिया गया था। भी एक और हैंड ग्रेनेड है जिसमें पिन निकला हुआ था, उसको भी अभी BDDS टीम द्वारा बहुत सुरक्षित तरीके से उसको अभी मौके से हटाया गया। ये 4 हैंड ग्रेनेड को हम लोग आर्मी को हैंड ओवर कर देंगे, और आर्मी द्वारा आगे की प्रोसीजर है, पूरा डिस्ट्रक्शन सब प्रोसेस उन लोगों के द्वारा किया जाएगा। बाकी उस हैंड ग्रेनेड का पूरा टेक्निकल डिटेल्स, उसमें अंदर वास्तव में क्या था, वो सब नहीं था या ये पहले से डिफ्यूज्ड बॉम्ब था, उसके बारे में सब आर्मी के ऑफिशियल्स सब डिस्ट्रक्शन के बाद हमको बता देंगे। सूचना मिलते ही थाना प्रेमनगर पुलिस और CO सदर मौके पर पहुंच गया, और पूरा जो घटनास्थल है, जो जहां लोगों का मिला है, उसका हम लोग सील कर दिया था पूरा येलो टेप लगा के, और मुश्किल से आधे घंटे में हमारा टीम पहुंच गई है, और टोटल प्रोसेस लगभग 1 घंटे में सब खत्म हो गया। कैसे आया, इसकी जांच पड़ताल? ये बिल्कुल जांच किया जाएगा यहाँ, क्योंकि पुलिस का पास ये नहीं होता है, और इस तरह का डिस्पोजल यूजुअली हम लोगों का प्रैक्टिस में भी नहीं होता है। तो ये यहाँ कैसे पहुँचा, वो भी कूड़ा के बीच में कैसे पड़ा, ये लाइव था या नहीं था, ये सब चीज़ें जांच की विषय है। बिल्कुल जांच की जाएगी इसके बारे में, और यहाँ बिल्कुल कूड़ा का पास किसने आके डाला है, यहाँ के पूरा CCTV फुटेज का भी पूरा कंगाला जाएगा। अभी मैं कहना जल्दीबाजी होगी, जैसे मैंने पहले बताया, अभी तो जो प्रिलिमिनरी जो हम लोगों को जो कार्रवाई करना है वो हम लोग कर दिए हैं। अभी नेक्स्ट स्टेज जो आर्मी द्वारा किया जाएगा, उसके बाद हमको पता चलेगा। पुष्पेंद्र श्रीवास के साथ नेहा श्रीवास की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।